हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डेथ ऑफ पार्टनर। हमारा टीएस क्रिवल की बुक से हम एग्जांपल्स करें। आज जो हमारा टॉपिक है, जब आप जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके एग्जीक्यूटर को जो पेमेंट देनी है उसको इंस्टॉलमेंट में और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे अप्लाई करना है। मैं कि बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी कि हम चार्ट बनाएंगे, उसमें आप कभी भी एमसीक्यू में आए या फिर बड़े क्वेश्चन आए तो पहले आप वो कैलकुलेट करके इजिली आप जर्नल एंट्री या अकाउंट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन रीड कर रही हूँ स्क्रीन पर। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वाई डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2023 एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाई एग्जीक्यूटर्स वाज 15,60,000। मतलब इसका जो टोटल बैलेंस बना जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको हमें टोटल देना। एग्जीक्यूटर देखो कौन होता है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका क्लोज रिलेटिव जो होता है। वाई एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड 3,60,000 इमीजिएटली एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पास एंट्रीज टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट। देखो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखो जब एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स थे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे एक्स वाई और जेड, जिसकी डेथ हुई है उसके ऊपर सर्कल लगा लो। रेशियो कितनी थी इनकी, 1:1। अभी इस क्वेश्चन में रेशियो का कोई भी यूज नहीं है, तो आपको क्या करना है, वाई का कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, वाई का एग्जीक्यूट टोटल बैलेंस आपको कितना देना है, 15,60,000। कितना देना है, 15। जब भी आपको इंस्टॉलमेंट वाला आए, कुछ भी आए, तो सबसे पहले आप क्या करो, जितना बैलेंस है ऐसे बनाओ बैलेंस। बैलेंस कितना है, 15,60,000। उसमें से जितना भी इमीजिएटली पे कर देता है उसको आप माइनस कर दो। कितना इमीजिएटली पे कर दिया, 3,60,000। उसके बाद जो बैलेंस बनेगा उसको आप ऐसे डिवीजन कर दोगे। अब जितनी इंस्टॉलमेंट बोलेगा उतना आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो सबसे पहले 15,60,000 था, उसमें से 3,60,000 चला गया। पहले हम इसकी एंट्री कर लेंगे, 15,60,000 में से गया तो कितना बच गया, टोटल 12,00,000 बच गया। तो सबसे पहले आपने, इसकी डेथ हुई थी 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया था, इमीजिएटली 3,60,000 उन्होंने क्या कर दिया था, पे कर दिया था। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर 2023 लिखेंगे, 2023, और यहाँ पर 1 अक्टूबर। आपको सब बच्चों को मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में जिस पार्टनर का डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट तो बनाना सिखाया था। जर्नल एंट्री जब भी आती है, मैं एक साइड में से रफली मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। जैसे ये वाई का कैपिटल अकाउंट है, तो आप कैसे सीखोगे, जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होती। आपको बस ये ध्यान रखना है, जिसका कैपिटल अकाउंट बनता है ना, आप उस अकाउंट में किस साइड एंट्री करोगे। अब ये बैलेंस है 15,60,000, इस साइड का जितना भी उसका टोटल बना होगा ना, उसमें वाई के कैपिटल अकाउंट में आपने इधर डाल दिया होगा टू एग्जीक्यूटर, कितना, 15,60,000। तो आपने किस साइड एंट्री करी, डेबिट साइड, कौन से अकाउंट में, वाई कैपिटल। तो पहले आप 360 की आप एंड सॉरी जो 15,60,000 है इसकी पूरी एंट्री करोगे। आपने किस साइड एंट्री करी, वाई कैपिटल के डेबिट में। तो सबसे पहले एंट्री जो होगी हमारी क्या होगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट आपने टोटल ट्रांसफर किया इसके अकाउंट में, 15,60,000। अब यहाँ नरेशन तो आप अपने आप लिख लेना कि अमाउंट ट्रांसफर टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इसमें से आपने 3,60,000 की पेमेंट कर दी, तो अब सेम ऐसे जैसे वाई का कैपिटल बना ना, वाई का कैपिटल, अब जैसे ये लेफ्ट है तो उसके वाई एग्जीक्यूटर में ना सेम इसी को ही मैं आगे ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ। देखो ऐसे अब इसको आप किसकी भी जर्नल एंट्री आप बनानी सिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे वाई का एग्जीक्यूटर एक सीख लो, फिर आगे आपको समझ आ जाएगी। ये लेफ्ट है ना, इसको आपने यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करोगे, 360 की आपने पेमेंट कर दी वाई एग्जीक्यूटर में, तो आप यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट। अब ये डेबिट साइड है, हमने ये वाली तो ट्रांसफर कर दी, अब आप वाई एग्जीक्यूटर में डेबिट साइड में आप इसकी पेमेंट कर दोगे। फिर हमें किस अकाउंट में अपने एंट्री करी,
वाई एग्जीक्यूटर में डेबिट साइड में, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी सेम डेट पे 1 अक्टूबर को बन जाएगी वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो सिंपल था, इसका कोई चार्ट में अभी इतना कोई यूज नहीं है। अब बताऊंगी क्या इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। अब ये तो हो गया हमारा इसकी पेमेंट, नरेशन आप लिख लोगे पेमेंट टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब आती है मेन चीज, अब पेमेंट जब भी पेमेंट होगी ना आपको हमेशा इसी साइड करनी है। अब आपके सेट हो गया कि हमें डेबिट साइड में एंट्री करनी है। अब इसका भी कुछ समझ आ गया कि जनरल एंट्री कैसे करनी है। अब आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, जो कि एमसीक्यू में भी आ जाता है। कैसे निकालना है, कभी इसमें तो फर्स्ट टू एंट्रीज तक ही बोला है, लेकिन हम टोटल आपको बता देती हूँ कि कैसे, अगर एमसीक्यू में भी आएगा तो भी आप फटाफट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, देखो टोटल अमाउंट कितना था, 15,60,000, उसमें से 360 चला गया, बचा कितना 12 लाख। तो उसको अब जितनी इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, कितनी इंस्टॉलमेंट बोली उसने, फोर, तो उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लो इस बैलेंस को। तो कितना हो जाएगा, 12 लाख है, इसको फोर से डिवाइड करो तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 3 लाख की। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 लाख और 3 लाख और 3 लाख, ये हमारी क्या है, ये 3 3 लाख की हमारी इनकी क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट बनेगी। ये इसका प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल। ये तो इंस्टॉलमेंट बन रही है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ये क्या है, सब एक के आगे लिख देती हूँ, ये प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसको। अब क्या करना है आपको, ये इसके साथ आपको सबके साथ प्लस करना है इंटरेस्ट। आपको क्या इंटरेस्ट क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट। अब वो कैसे निकालना है, सबसे पहला इंटरेस्ट हमें क्या करना है, अगर जब कोई भी, आपको एक ही चीज याद रखनी है, आप जैसे अभी तक मैंने कुछ भी पे नहीं करा इसमें से, जितने आपके डिवीजन हुआ, आपको पहला इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं करा ना, तो इन जितनी भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग पड़ी है उस टोटल के ऊपर अमाउंट, मतलब पहला इंटरेस्ट जो लगेगा ऑलवेज इस बेस अमाउंट पे लगेगा 12 लाख पे। तो पहला इंस्टॉलमेंट, पहली पहला इंटरेस्ट अभी कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो इस सब का सम कर दो, इन सब के सम पे। तो पहला इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 12 लाख पे। क्लियर है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। पहले इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पता होना चाहिए, फिर हम कैलकुलेशन करना आसान होता है। पहला इंटरेस्ट जितनी अभी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी सबके टोटल पे 12 लाख। अब ये वाले, ये पूरा हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये कॉलम कंप्लीट। क्लियर है, अब दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ये तो कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना, पता लग गया इसके ऊपर लगेगा। अब उसके बाद दूसरा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, कौन कौन सा बच गया, 3 प्लस 3 9 प्लस 3, तो ये भी कितना हो गया, ये 3 प्लस 3, ये देखो पूरा पहले टोटल 12 था, अब नेक्स्ट क्या हो गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, कितना पेंडिंग हो गया, 9 लाख। तो दूसरा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 9 लाख पे, इसको कम बंद कर दो। अब कितना पेंडिंग बच गया, 3 प्लस 3 6, थर्ड इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 6 लाख पे। लास्ट हमारा किसके ऊपर लगेगा, 3 लाख के ऊपर। बस ऐसे आपको समझ आ जाएगा। अब जितना है, अब जितनी जैसे बोलेगा, अगर हाफ ईयरली बोलेगी तो हाफ ईयरली का टाइम पीरियड लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वार्टरली, क्या बोला है, क्वार्टरली, तो सबके साथ 4 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा दो और रेट लगा दो। अब फर्स्ट इंटर क्या लगेगा, 4 मंथ्स, क्वार्टरली है तो 4 नहीं होते, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, 3, कितने, एक कितने क्वार्टर टोटल कितने होते हैं, 4, लेकिन एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3। जैसे हाफ ईयरली बोलेगा तो 6 6 मंथ का टाइम पीरियड लगेगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, लेकिन मंथ्स कितने होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो टाइम पीरियड सबके साथ क्या लगेगा, 3/12, सबके साथ टाइम पीरियड 3/12। मैंने सारा एक साथ बता दिया कि आपको फर्स्ट टू का बताना था, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद रेट लगा दो, रेट आपको बोला था उन्होंने 6%, तो बस अब हम वन बाय वन करते जाएंगे। एक बार फिर से सुन लो कि क्या बोला है मैंने, जितना भी उसका लोन होता है, पेंडिंग अमाउंट होता है, उसको सबसे पहले ऊपर रखो। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कह रहा है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है,
चार पार्ट होते हैं क्योंकि चार क्वार्टर होते हैं, फोर, तो फोर में डिवाइड करें। अगर हाफ ईयरली बोलता है तो दो में डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे फोर, तो हमने पहले डिवीजन किया, उसके बाद आपको ये चेक करना है कॉलम्स बना लेने हैं। फोर कॉलम बनेंगे क्योंकि फोर क्वार्टर्स होते हैं। तो पहला इंटरेस्ट किस पे बनेगा? सबसे पहले वाले अमाउंट पे, तो हमने 12 लाख लिखा। दूसरा इंटरेस्ट, 12 में से जो फर्स्ट इंटरेस्ट आपका कट जाएगा, 9 लाख बचेगा, तो 9 लाख पे। फिर दूसरा जो है इस पे, जितना भी सम बचता है, मतलब 12, पहला 12 जितनी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल को काट दो, फिर 9 बच जाएगा, फिर प्रिंसिपल को काट दो, 6 बच गया। मतलब कटते जाओ, जितनी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट बचेंगी उनके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर जितने क्वार्टर लिए, तो 3 मंथ्स का होता है तो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगाना है, और अगर हाफ ईयरली होता है तो हाफ ईयरली का टाइम लगाना है। तो पहला इंस्टॉल्ट। अब दूसरी बात, डेट्स का ध्यान रखना है, हमें सेशन का भी ध्यान रखना है। अब पहला, अब इसकी डेथ कब हुई थी? 1 अक्टूबर को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर को। तो पहली पेमेंट कब होगी? 3 महीने के बाद, अक्टूबर काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहला पेमेंट कब होगी? 31 दिसंबर को। तो कब होगी पहला, जो पहली पेमेंट होगी 31 दिसंबर को। फिर 3 महीने के बाद दूसरी पेमेंट कब होगी? दिसंबर तो खत्म हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, दूसरी पेमेंट कब होगी? 31 मार्च को। तो बस पहले आप इसकी पेमेंट करोगे। अब यहां पर आ जाएगा 31 दिसंबर। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। अब इंटरेस्ट हम पहले कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये वाला कैलकुलेट करेंगे, 12 लाख। पहला इंटरेस्ट किस पे लगेगा? पूरे टोटल पे। 12 लाख इंटू 3/12 और 6/100, 0 से 0 कट गई, 6 2 12, 2 6 12, उसके बाद आ गया टोटल 18,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? पहले ड्यू होगा, हमें पे करना है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो क्या करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये ड्यू करोगे किसके अकाउंट में? वाई एग्जीक्यूटर में। कितना आ गया? 18,000, क्योंकि ये इंटरेस्ट पहले ड्यू किया जाता है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। किसको देंगे? एग्जीक्यूटर को ही देंगे नेचुरली, क्योंकि उस पार्टनर की तो डेथ होगी। लेकिन ये पे किसके साथ होगा? 3 लाख के साथ होगा। 3 लाख ये 18,000 टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल पेमेंट जो होगी वो नेक्स्ट होगी 31 दिसंबर को ही, 3,18,000 इसको एग्जीक्यूटर को पे कर दोगे। वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे इसको पेमेंट कैसे करेंगे? कितनी पेमेंट होगी यहाँ नरेशन में, चाहे मैं लिख देती हूँ कितनी, 3 लाख का तो प्रिंसिपल बन गया था और प्लस 18,000 की उसकी पेमेंट। तो टोटल आप पेमेंट कर दोगे 3,18,000। ये कब होगा आपका? 31 दिसंबर को। अब ऐसे ही सेम आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी कब? 31 मार्च को। सेम फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब दूसरा इंटरेस्ट किस पे मैंने बोला था? 12 लाख था, 12 में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो 3 लाख, क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया। ये नहीं करना कि 12 लाख में से 3 लाख 18 माइनस करोगे, नहीं, प्रिंसिपल वाला अमाउंट 12 था, 3 लाख की इंस्टॉलमेंट चली गई, अब कितनी बची? 3 + 3, 6 + 3, 9 लाख। अब 9 लाख के ऊपर लगाओगे। अब इसको पहले रब कर लेती हूँ, दूसरा इंटरेस्ट हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम वैसे ही कितना है? 9 लाख, कितने मंथ्स? 3 मंथ्स और 6%। तो इसको ऐसे कट करो, 13,500। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट आपका कितना ड्यू होगा? 13,500। अब पेमेंट किसके साथ होगी? इसके साथ, 3 लाख के प्लस इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करके यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू लिख दोगे। और फिर से आप 31 मार्च को ही, देखो दिसंबर के बाद ना सेशन भी चेंज हो जाता है, ये 23 था तो ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे?
यहाँ पर इसमें आपको मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर कितना है नरेशन आप लिखोगे, इंस्टॉलमेंट पेड टू वाई एग्जीक्यूटर, 3 लाख की तो हमारी बेसिक थी और प्लस 13,500 का आपका इंटरेस्ट बना था, तो 3,13,500 ये आप इसमें टोटल पे कर दोगे। बहुत इजी होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, आप चार्ट बना के बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको फिर से हम एक बार रिप्लाई कर देंगे कि कैसे कैसे अमाउंट आपका आया है।